भौतिक गुणों में क्रमिकता। सजातीय श्रेणी के निकटतम सदस्यों के अनुभाग में 14 यू का अंतर होता है। क्या इससे इनके भौतिक गुणों में कोई प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए इस सारणी में एक उदाहरण दिया गया है, एल्किनों के नाम और उनका क्वथनांक। आप देख सकते हैं मेथेन, मेथेन का क्वथनांक है -162, एथेन -82। इस प्रकार अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इनमें कोई क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, इनका अपना अपना अलग अलग क्वथनांक है। तो जैसे जैसे एल्किन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले माइनस में है क्वथनांक और फिर धीरे धीरे वह बढ़ते जा रहा है। इसमें एक जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो क्वथनांक भी उनके साथ बढ़ रहे हैं, अर्थात एल्केन का क्वथनांक उसके अनुभार पर निर्भर करता है। साधारणतः सजातीय सदस्यों के भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक या नियमित परिवर्तन पाया जाता है। शाखित श्रृंखला और समावयता। यदि किसी एल्केन में कोई कार्बन दो से अधिक कार्बन से बंध बनाता है तो हम कहते हैं कि श्रृंखला में उस स्थान पर शाखा है। जैसे प्रोपेन का उदाहरण लेते हैं, इसमें तीन कार्बन परमाणु हैं, दो कार्बन श्रृंखला के सिरों पर और एक बीच में। सिरों पर स्थित दोनों कार्बन रासायनिक दृष्टि से समान है। श्रृंखला बढ़ाने के लिए हम दो स्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि अंतिम स्थान के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए तो समान संरचना हमें प्राप्त होती है, परंतु यदि हम बीच के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें तो हमें चित्र क्रमांक 6 के समान संरचना मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र क्रमांक 5 में ब्यूटोन को दिखाया गया है, जबकि वहीं ब्यूटेन का एक कार्बन अगर नीचे श्रृंखलित रूप में आ जाता है तो वह मेथिल प्रोपेन बन जाता है। दोनों संरचनाओं का अणुसूत्र C4H10 है, अर्थात इन परमाणुओं की संख्या और प्रकार एक समान है पर इनकी संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए ये अलग अलग यौगिक कहलाएंगे। इस अतः इनका यौगिक अणुसूत्र भी समान है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए यह एक दूसरे के समायवी होते हैं तथा यह गुण समावयता कहलाता है। अर्थात हमने यहाँ देखा कि C4H10 अणुसूत्र वाले दो एल्केन बन सकते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला को ढूंढते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि श्रृंखला हमेशा सीधी ही हो, श्रृंखला ऐसे मुड़कर भी हो सकती है। दर्शाए संरचना सूत्र में यहाँ चित्र क्रमांक 7 में दर्शाए गए संरचना सूत्र में सबसे लंबी श्रृंखला में तीन कार्बन हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं देखने में अलग अलग हैं परंतु आप कह सकते हैं कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पहले चित्र में भी जो शाखित मेथेन है वह बीच वाले कार्बन से जुड़ा है और दूसरे चित्र में भी शाखित मेथेन दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबी श्रृंखला जिसे मूल या जनक श्रृंखला कहते हैं में यहाँ पर दोनों ही चित्रों में तीन कार्बन है, इसलिए यौगिक का मूल नाम या मूल भाग क्या होगा? प्रोप होगा। और जब अब हम कार्बन का पता लगाते हैं जहाँ शाखा है तो इसमें इससे जुड़े एल्किल समूह को नाम देंगे। उदाहरण में एल्किल समूह मेथिल है। श्रृंखला के कार्बन परमाणु को क्रम से ऐसे एक एक अंक देंगे जैसे चित्र क्रमांक 8 में दिखाया गया है। उसके बाद हम कार्बन को गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि हर स्थिति में शाखित कार्बन को दो अंक ही मिलेगा, इसलिए एल्किल समूह का स्थान 2 होगा। नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह की स्थान संख्या, उसके बाद लघु रेखा लिखी जाती है। लघु रेखा के बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम और उसके बाद मूल भाग का नाम जोड़ा जाता है और अंत में हाइड्रोकार्बन अनुलग्न लिखा जाता है। अतः यौगिक का नाम
टू मेथिल प्रोपेन होगा। जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान पर संरचना सूत्र भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावय भी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयता कई प्रकार की होती है। ब्यूटेन तथा मेथिल प्रोपेन में देखी गई संरचनात्मक समावयता को श्रृंखला समावयता कहा जाता है, क्योंकि वह कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। एल्कीन और एल्काइन, हमने एल्केन के सजातीय श्रेणी को देख लिया। अब द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले समूहों को देखते हैं। द्विबंध वाला सबसे सरल हाइड्रोकार्बन एथीन है, जिसे आम भाषा में एथिलीन कहा जाता है। एथीन का संरचना सूत्र CH2 डबल बंद CH2 होता है। अंग्रेजी में लिखने पर इसके नाम का मूल भाग एथ और अनुलग्न इन होता है। एथ दर्शाता है कि अणु में दो कार्बन है, अतः हम एथीन के किसी भी कार्बन से जुड़े एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। इसे प्रोपेन कहते हैं और इसका अणुसूत्र CH3H6 होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। यहाँ सारणी क्रमांक 3 में एल्किनों के संघनित संरचना सूत्र और उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ आप कार्बन परमाणुओं की संख्या को n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखकर संघनित संरचना बना सकते हैं और उनका अणुसूत्र होगा तथा उनके नाम। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि एल्किन परिवार के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इनमें निकटतम सदस्यों में केवल CH2 का अंतर होता है। जैसे हमने एल्केन परिवार में देखा था, तो एल्कीन का नाम देने के लिए हम मूल अनुलग्न नियम का पालन करते हैं। मूल नाम से हम एल्कीन की जनन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को पता कर सकते हैं और अनुलग्न में इन जोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ त्रिबंध या एथाइन या एसिटिलीन ग्रुप के साथ भी करते हैं। एथाइन त्रिबंध वाला सरलतम हाइड्रोकार्बन है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। इनका मुख्य भाग इनके कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है तथा अनुलग्न में एथाइन जोड़ा जाता है। सारणी क्रमांक 4 में एल्किनों के संघनित संरचना सूत्र एवं उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आप कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार अलग अलग एल्काइनों का संघनित संरचना अणुसूत्र और उनका नाम देख सकते हैं। एल्काइन परिवार के भी निकटतम सदस्यों में केवल CH2 समूह का अंतर होता है, इसलिए वे भी सजातीय श्रेणी बनाते हैं।